आज तक आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी चैनल। चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। ग्राम पाली जिले में रानी तहसील के मंडल गांव के निवासियों के अनुरोध पर इंडिया आज तक की टीम गांव पहुंची, जहां ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत सही से काम नहीं कर रही है। छोटे छोटे कामों के लिए भी कई बार पंचायत के चक्कर लगाने पड़ते हैं तथा यहां कार्यरत अधिकारी कभी भी समय पर नहीं मिलते हैं। हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह राजपुरोहित के साथ सवाराम देवाशी की रिपोर्ट। मैं सवाराम देवासी हनुमंत सिंह राजपुरोहित के साथ इंडिया आज तक से। आज हम आए हैं मंडल ग्राम पंचायत में, जो हमने पहले भी जो मुद्दा उठाया था यहाँ कोई मिलता नहीं है। आज यहाँ 12:15 बजे सरपंच साहब आए हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाँ, तो ये मंडल ग्राम पंचायत है, आप सरपंच साहब सूर्याराम जी माली हैं, आइए इनसे मिलते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। तो एक तो यहाँ अक्सर लोगों की कंप्लेन है कि उनके जो शौचालय के जो पैसे हैं उनका अभी तक तो कोई फॉर्म जमा नहीं हुए, उनकी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। उन्होंने कहा अभी जियो टैग भी हो चुका है, 1.5-2 महीने हो गए हैं, मगर अभी तक फॉर्म ऑनलाइन छड़े भी नहीं है। तो इसमें मतलब क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या है? ऐसी बात है कि जो पहले जो चढ़ाए हुए थे 88 जन के, वो तो सबके पैसे पेमेंट आ गए। अभी दूसरी प्रक्रिया शुरू है, उनका भी पेमेंट आएंगे। जब जियो टैग करने के बाद 1.5-2 महीना हो गया है और अभी तक मतलब फॉर्म यहाँ से ऑनलाइन भी नहीं हुए, मतलब पंचायत का जो प्रक्रिया होती है वो भी पूरी नहीं हुई है। पंचायत की होगी, अभी सब साथ में एक साथ ही चढ़ाएंगे, एक एक तो चढ़ा नहीं सकते हम। सब जितने भी है फॉर्म 40-50 जितने भी होगा एक साथ में चढ़ा देंगे हम। 1.5-2 महीने में फॉर्म तो सबने जमा करा दिया है ना, तो फॉर्म बाकी नहीं, तो अभी तक ये काम क्यों नहीं हो रहा? मतलब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको, कहीं समस्या आ रही है नेट से या आगे से प्रॉब्लम आ रही है अधिकारियों से, या क्या प्रॉब्लम है, या बजट नहीं है, क्या है? किसी का अधिकारियों का प्रॉब्लम नहीं है, सब साथ में जब पूरा होगा प्रक्रिया हम चढ़ा लेंगे और सबका पेमेंट भी आ जाएंगे। अभी 12 महीने के अंदर अगर 9 लाख आगे है तो ये भी आएंगे, करीब 9 लाख तो अभी आगे, तो हाथों तो कोई सबका सेक्शन होगा नहीं, क्यों पंचायत तो और भी है, एक ही पंचायत तो है नहीं मंडल की जो मतलब कि सब पेमेंट दे देगी। ये तो ऑनलाइन होता है, जिसका डॉक्यूमेंट क्लियर है, जिसका एकदम ओके अप्रूव्ड है, ऑनलाइन हो गया, उनका क्लियर हो रहा है। तो बेस लाइन में जो नाम है उनका चढ़ रहा है अभी, उन्हीं का तो नहीं हुआ है। प्रॉब्लम वही है, लोग वही कंप्लेन कर रहे हैं जिनका बेस लाइन में नाम आया है, उनके डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, जियो टैग है कि 1.5-2 महीना हो गया है और उनका अभी तक शो नहीं कर रहा है। इसीलिए मतलब हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। उतना जो बेसलाइन में नाम है ज़्यादा इतना नहीं है, 10-15 फॉर्म पड़ा है उसको चढ़ा देंगे, और बाकी जो अभी आवेदन किए हैं उनके लिस्ट गई है, उनका भी आएंगे हमारे पास जब चढ़ा देंगे उनका। कल हमारे थे, हमने बात की थी, आप भी नहीं थे, तो ये जो अपना ई मित्र वाले बैठते हैं तो उनका कहना है कि विकास अधिकारी नहीं आ रहे हैं, उनकी वजह से काम अटक रहा है। तो विकास अधिकारी कौन है और कब कब आते हैं वो, क्यों नहीं? क्योंकि महीने पर से मैं भी देख रहा हूँ, अभी तक मैंने, या लोग भी कह रहे हैं कि अभी तक हमने उनकी शक्ल भी नहीं देखी है कि कौन है विकास अधिकारी। नाम जरूर लिखा हुआ है देवी सिंह, पर हमने देखा नहीं अभी तक। तो उनकी ड्यूटी क्या है, कब आते हैं, नहीं आते हैं, क्या है? बात ये है साहब कि एक तो विकास अधिकारी जितने भी है, अभी 29 पंचायत में 14 है, अभी सबको 2-3 दिन पंचायत दे चुके, तो 2 दिन आ रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर 2 दिन आते ही है। उनका 2 दिन कौन सा है, क्या मतलब कौन से दिन वो यहाँ आते हैं 2 दिन, उनकी ड्यूटी कौन से दिन? गुरु और शुक्र, गुरु और शुक्र को। और कभी अगर काम पड़ जावे तो पहले भी आप बुला देते हैं। नहीं, पर गुरु और शुक्र को तो उनकी ड्यूटी यहाँ पर है ही है, पर मैं कहीं गुरु और शुक्र को यहाँ आया हूँ, मुझे एक भी बार वो मिले नहीं है, दिखे नहीं है। तो है ही है, आते तो है ही है, अब थोड़ी एकदम काम नहीं होगा तो थोड़ी चलेगा, तो काम कैसे चलेंगे पंचायत का? अगर वो विकास अधिकारी नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा हमारा? कल भी मैंने जैसे जाना था तो उन्होंने कहा कि एक बार मीटिंग थी उस दिन आए थे, जब मीटिंग होती है उस दिन वो मीटिंग पटा के चले जाते हैं, उसके बाद नहीं आते। बाद में तो आते ही है, हफ्ते में 2 बार तो आते ही है। किसकी बात माने, आप कह रहे हैं कि आते हैं और आपके जो अंदर जो और लोग बैठते वो कहते नहीं आ रहे? हाजिरी रजिस्टर भरा हुआ, आप देख लो हाजिरी। तो हाजिरी तो मतलब 7 दिन के मैं साथ में भर दूंगा, उससे क्या मतलब? ऐसा थोड़ी होता है ऐसा काम, तो देखो हाजिरी थी तो हाजिरी आपकी ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन होती है हाजिरी? हाजिरी तो ऑनलाइन नहीं है, रजिस्टर में अटेंड होता है। ऑफलाइन ही है ना, तो उसमें तो जो छाव जो जैसा छाए वैसे कर सकते हैं। ऐसी बात है, 3 जन जगह इनकी ड्यूटी है,
तो देखो दो दो दिन आते ही है। आपका कहने का मतलब गुरु शुक्र की यहाँ पर इनकी ड्यूटी है, ठीक है ना? चलो ठीक है। तो सरपंच साहब का कहना है कि जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो गुरु और शुक्रवार की यहाँ मंडल ग्राम पंचायत में उनकी ड्यूटी है। अब देखते हैं, इसके पहले तो देखे नहीं है, पर अब हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उनसे भी मिलें और उनसे बातचीत करें। तो अब ये जो बाकी जो काम काज ये कब तक हो जाएगा, जो ऑनलाइन सरना वगैरह है? ये तो अभी देखो महीने भर में तकरीबन सब काम हो जाएगा। तो सरपंच साहब ने आश्वासन दिया है कि महीने भर में जो भी काम अटका है वो हो जाएगा। तो चलो हम देखते हैं, फिर निरंतर हम इनसे मिलते रहेंगे।